हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी। तो आज जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो आपका बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस का। अब इसको समझते हैं बिल्कुल बेसिक से कि प्रॉफिट और लॉस होता क्या है। एक सिंपल से एग्जांपल सा हम यहाँ पे पकड़ते हैं। मान लीजिए आप किसी शॉपकीपर की शॉप पे गए और आपने वहाँ पे कोई चीज़ खरीदी, ठीक। आप कुछ भी खरीद सकते हो जो आपको पसंद है वहाँ से। तो आपने मान लीजिए कोई चीज़ खरीदी, उसका कॉस्ट प्राइस यानी जितने की आप खरीदोगे, जब आप किसी चीज को बाय करते हो तो आपके लिए वो क्या हो गया, उसका कॉस्ट प्राइस, करेक्ट। तो मान लीजिए आपने उसको खरीदा, 10 रुपए का खरीद दिया, ये कोई भी चीज हो सकती है, आपके इंटरेस्ट की कोई भी चीज आप ले लो, इट डजंट मैटर कि क्या चीज है वो। आपने जब उसको खरीदा तो आपने क्या बोलोगे इसको, आप बोलोगे इसका एक कॉस्ट प्राइस है, आपके लिए वो कॉस्ट प्राइस है। बट जिस शॉपकीपर ने इसको बेचा, जब शॉपकीपर ने आपको ये बेचा तो उसके लिए ये जो प्राइस होगा वो सेलिंग प्राइस होगा, बट आपने खरीदा है तो आपके लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस है, क्लियर। तो अब मानो, अब फर्दर आप क्या करते हो, इस चीज को बेचते हो किसी दूसरे बंदे को, आप इस चीज को बेचते हो तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा। मान लो आपने 12 रुपए की वो चीज किसी अनदर पर्सन को बेच दी तो वो आपके लिए क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। अगर मैं 10 रुपए की चीज खरीदता हूं, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं 10 रुपए की चीज खरीदता हूं तो मेरे लिए कॉस्ट प्राइस है, और 12 रुपए का उसको बेच रहा हूं तो ये मेरे लिए क्या है, सेलिंग प्राइस है, क्लियर। अब देखो, मैंने कॉस्ट प्राइस मेरा कम है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो सीधी बात है मुझे 2 रुपए का प्रॉफिट नहीं हो गया। तो अगर मैं सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दूं तो मेरा प्रॉफिट निकल के आ गया, क्लियर। बात समझ में आई, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था। आपने 10 रुपए की चीज खरीदी, आपने उसको 12 रुपए का बेच दिया, यानी आपको 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। एसपी आपका 12, सीपी आपका 10, ये आपका आ गया 2 के इक्वल, यानी 2 रुपए का आपको प्रॉफिट हो गया। अब मान लो लॉस कैसे होता उसकी बात करते हैं। अब जो आपने चीज खरीदी 10 रुपए की, ठीक, आप बड़े समय जोश में आ गए कि यार ये मुझे अच्छा लग रहा है, इसको मैं खरीद लेता हूं, और जब आप घर गए आपको लगा नहीं आ रही है, उस समय तो मेरा मन पता नहीं कैसे करके इसको खरीदने का, बट ये वाकई अच्छा नहीं है। तो देखो आप क्या करोगे, यार मुझे ये चीज नहीं लेनी है, मुझे हटाने हैं। अब वो शॉपिंग कर को आप वापस करने नहीं जा रहे हो, आपको लग रहा है नहीं यार इसको वापस करूंगा, वो कहेगा कि उस समय तुम ले गए अब तुम वापस कर रहे हो, तो ये क्या मजाक है। तो वो क्या करेगा, वो कहेगा कि भले मैं इससे थोड़े कम रुपए मुझे मिल जाए तो उससे मैं कम चीज, मतलब कोई दूसरी चीज खरीदूंगा भले कम पैसे की, बट मुझे ये नहीं चाहिए। तो वो कॉम्प्रोमाइज करेगा, और कॉम्प्रोमाइज करेगा तो मतलब, अब मान लो वो क्या करेगा, इसको वो घाटे में बेचेगा कि यार भले मुझे 8 रुपए मिल जाए बट मुझे ये चीज निकालनी है। तो अब वो अगर इस चीज को बेचता है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 8 रुपए का, ठीक। उसने मान लो उसको 8 रुपए का बेच दिया क्योंकि उसको पसंद नहीं आया, और जिसको बेचा उसको पसंद आ गया, या उसको थोड़ा सस्ता 2 रुपए सस्ता ही मिल गया तो जरूर लेगा वो। तो अब यहां पे इसको लॉस हो गया, कितने रुपए का लॉस हुआ, 2 रुपए का लॉस हो गया। अब लॉस निकला कैसे, जब आपने सीपी में से एसपी को माइनस किया, सिंपल। जब आपने सीपी में से एसपी को माइनस किया तो आपका लॉस निकल के आ गया, यहां पर आपका एसपी कम है तो आपका लॉस हो गया 2 रुपए का। तो ये सिंपल सी चीज है कि कहां आपको प्रॉफिट हो रहा है और कहां आपको लॉस हो रहा है, बिल्कुल बेसिक था, कुछ भी नया नहीं, सिंपल। हर किसी को एक एक चीज समझ में आ रही होगी यहां पे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो हम यहां पे अब 3 टर्म्स को जानते हैं, कौन कौन से टर्म्स, कि एसपी क्या होता है, सीपी क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है, सिंपल। सेलिंग प्राइस, जिस रेट पे आप चीजों को बेचोगे। कॉस्ट प्राइस, जिस रेट पे आप चीजों को खरीदोगे। प्रॉफिट, यानी जब आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा तो आपका प्रॉफिट होगा, क्लियर। लॉस कब होगा, जब आपका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा होगा। इतनी चीज हमको क्लियर है, बिल्कुल ढंग से क्लियर है, हमें इसमें कोई डाउट नहीं है। अब कोई आपसे पूछे कि आपको प्रॉफिट अगर हो रहा है तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, समझ रहे हो मेरी बात को। कोई आपसे पूछे अगर आपको लॉस हो रहा है तो कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, परसेंट मतलब आप 100 रुपए बात करते हो कि 100 रुपए पे आपको कितने का नुकसान हुआ या 100 रुपए पे आपको कितने का फायदा हुआ, सिंपल, बहुत सिंपल। अब देखो क्या करोगे, आप
अगर मैं बात करूं प्रॉफिट परसेंटेज की, तो इसे आप कैसे निकालोगे? प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100। कंफ्यूजन है तो बात कर लेते हैं। देखो, अगर जैसे आप स्कूल पढ़ते हो, ठीक, उसके बाद आपके साल भर के अंदर रिजल्ट्स आते हैं, आपका एक परसेंटेज आता है, तो अगर मान लो आपके 500 में से 300 नंबर आए, तो आप परसेंटेज कैसे निकालोगे? नंबर कितने मिले आपको? 300। ये ऊपर आ गया। कितने में से मिले? 500 में से, यानी 500 में से, इनटू 100। तो आप परसेंटेज ऐसे तो निकालोगे, कितना परसेंट आ गया? 300 डिवाइड बाय 5, 5 6 30, यानी 60%। यानी जो लड़का 500 में से 300 मार्क्स लेके आया है, तो उसके 60% बने। सिंपल। तो वही चीज यहां पे, प्रॉफिट अपॉन सीपी, प्रॉफिट परसेंटेज है, कितने का प्रॉफिट हुआ वो ये है, कितने पे हुआ प्रॉफिट, यानी जितने का आपने खरीदा उस पे तो प्रॉफिट होगा, तो वो आपका क्या हो गया? सीपी। और यहां पे इनटू 100, डिट्टो यही कंसेप्ट है। सिमिलर, आपको समझ में आया होगा ये? बिल्कुल। सिर्फ प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100, ये आपका हो गया प्रॉफिट परसेंटेज। सिमिलरली, अगर मैं लॉस परसेंटेज की बात करूं, तो लॉस अपॉन सीपी इनटू 100। क्लियर? तो अब हमें दो चीज और पता लग गई कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है और लॉस परसेंटेज क्या होता है। कुछ बच्चे यहां पे कंफ्यूजन क्या करते हैं, उनको थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि प्रॉफिट पूछ रहा है या प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज अलग होता है और प्रॉफिट अलग होता है, इस चीज को मिक्स मत कीजिएगा। सिमिलरली, आपका लॉस अलग होता है और लॉस परसेंटेज अलग होता है। जब वो प्रॉफिट की बात करेगा, तो नॉर्मली आपने कितने का खरीदा, कितने का बेचा, उनका डिफरेंस निकालोगे तो आपको प्रॉफिट और लॉस पता लग जाएगा। बट जब वो प्रॉफिट परसेंटेज की बात करेगा, तो यानी आप 100 पे बात करो कि 100 पे कितने का फायदा हो रहा है आपको, और लॉस परसेंटेज की बात करेगा तो 100 पे कितने का नुकसान हो रहा है आपको। नुकसान तो ज्यादा हो रहा होगा टोटल, बट 100 रुपए पे कितने का नुकसान हो रहा है या 100 रुपए पे कितने का फायदा हो रहा है, वो आपसे पूछेगा। क्लियर? तो अब हमें ये कुछ चीजें क्लियर है, तो थोड़ा सा आगे बात करते हैं। ठीक, अब जो हम आगे बात करने वाले हैं, वो हम बात करेंगे कि एसपी सीपी में रिलेशन क्या होता है। क्योंकि होगा क्या, क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, राइट? क्वेश्चन दिए जाएंगे तो आपको उससे पढ़ना पड़ेगा, कहीं कुछ डाटा गिवन होगा। अब उस डाटा के साथ कैसे खेलना है आपको, इतना तो आपको क्लियर है। अब डाटा के साथ खेलोगे कैसे, ये समझो। अब हम कुछ यहाँ पे फॉर्मूले ड्राइव करेंगे, जो कि बहुत सिंपल से फॉर्मूले हैं, अगर आप भूल भी जाओगे तो खुद से ड्राइव कर सकते हो। बट अगर हमें थोड़ा डिटेल में स्टडी, मतलब हमें बहुत जल्दी क्वेश्चंस करने हैं, तो अभी तो हम पहले कंसेप्ट सीखते हैं, उसका बेसिक कंसेप्ट है क्या, कैसे फॉर्मूला बना, बट बाद में वो हम फॉर्मूले याद रखेंगे ताकि हमारे क्वेश्चन सेकेंडों में हो जाए। क्लियर? तो देखो, अगर मैंने यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज की बात की, तो मैंने लिखा था यहाँ पे प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100। सिंपल। अब हम यहां से एसपी और सीपी में रिलेशन निकालेंगे, देखो कैसे। प्रॉफिट परसेंटेज एज इट इज रखो। अब प्रॉफिट कब होगा, जब आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा, यानी कि एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इनटू 100। यानी मैंने प्रॉफिट को किससे रिप्लेस कर दिया, एसपी माइनस सीपी से। सिंपल। अब देखो, थोड़ा सा मैं इसको सेपरेट करूंगा, और कैसे करूंगा वो देखो। तो देखो, एसपी अपॉन सीपी में इसको लिख सकता हूं, फिर माइनस सीपी अपॉन सीपी में इसको लिख सकता हूं। क्लियर? इनटू 100। अभी मैंने किया कैसे वो समझो। जैसे मान लो आपका ए प्लस बी अपॉन सी है, राइट? तो इसको आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो, ए अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी, ये आपका सेम होता है। और अच्छा एग्जांपल लेना है तो मान लो 15 अपॉन 5 है आपका, तो इसको आप 10 प्लस 5 अपॉन 5 लिखोगे, तो कोई गुना थोड़ा ना हो जाएगा, बात एक ही है। अब देखो, इसको आप 10 अपॉन 5 प्लस 5 अपॉन 5 लिख लो, तो 5 टू जा 10, 5 वन जा 5, कितना आ गया 2 प्लस 1, यानी कि 3। और यहाँ भी सॉल्व करोगे तो 5 वन जा 5, 5 थ्री जा 15, तो बराबर है या नहीं है। सिमिलरली, मैंने एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी को ऐसे ब्रेक कर दिया। अच्छा, एक और चीज़ आप कहोगे, सर ये तो प्लस में किया है आपने, यहाँ तो माइनस है, क्या फर्क पड़ता है, जैसे प्लस में फॉलो कर रहा है वैसे ही माइनस में ही फॉलो करेगा। सिंपल है, बस सीपी से सीपी कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 बचा। अब मैं थोड़ा इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू एसपी अपॉन सीपी माइनस 1 इनटू 100। अब क्या करो आप, इस 100 को प्रॉफिट परसेंटेज से नीचे ले आओ, तो प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100
इज इक्वल्स टू एस पी अपॉन सी पी माइनस वन। ओके गाइस, अब क्या करेंगे हम, अब हम करने वाले हैं यहां पे वन को इधर शिफ्ट, तो वन प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन हंड्रेड इज इक्वल्स टू एस पी अपॉन सी पी। क्लियर? तो देखो, अब जब आप एलसीएम लोगे, सॉरी थोड़ी गलती होगी यहां पे, ये एक्चुअली ऐसे है वन प्लस, क्योंकि अभी एलसीएम नहीं लिया हमने, तो जब हम एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे वन है, तो ये हो जाएगा हंड्रेड। देखो एलसीएम इसका आ जाएगा हंड्रेड, और ये हो जाएगा हंड्रेड प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू एस पी अपॉन सी पी। क्लियर? वन का हंड्रेड में हंड्रेड टाइम्स आएगा, तो वन इंटू हंड्रेड आपका हंड्रेड आ गया, प्लस हंड्रेड का हंड्रेड में वन टाइम जाएगा, तो वन इंटू प्रॉफिट परसेंटेज, यानी प्रॉफिट परसेंटेज एज इट इज। तो यानी यहां से आपका एस पी निकल के आ गया, सी पी को मल्टीप्लाई में शिफ्ट कर दो, यानी सी पी इंटू, या ब्रैकेट में लिख दो यहां पे, हंड्रेड प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन हंड्रेड। तो ये आपका रिलेशन निकल के आ गया एस पी और सी पी में, कब, जब आपको प्रॉफिट हो रहा है। सिंपल। तो अब यहां पे हम थोड़ा सा डेरिवेशन को हटाते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे ताकि आपको डाउट ना रहे। ठीक, अब इस फॉर्मूले को मैं यहां पे लिख देता हूं। क्या बना फॉर्मूला मेरा, एस पी इज इक्वल्स टू सी पी ब्रैकेट में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। चलो इसके नीचे लिख लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका सी पी और एस पी में रिलेशन आ गया, जब आपका क्या हो रहा होगा, जब आपका प्रॉफिट हो रहा होगा। क्लियर? अब देखो, अब क्या होगा, देखो समझो यहां पे, अगर मुझे लॉस हो रहा हो, अगर मुझे लॉस हो रहा हो, तब एस पी और सी पी में रिलेशन कैसे बनेगा, तब भी कुछ नहीं करना है आपको, आप करोगे क्या, लॉस परसेंटेज इज इक्वल्स टू क्या करोगे, लॉस अपॉन सी पी इंटू हंड्रेड, और लॉस लिया कितना आ जाएगा, सी पी माइनस एस पी। यानी जब आपको लॉस होता है तो आपको क्या होता है, आपका सी पी बड़ा होता है एस पी से, तो यानी सी पी माइनस एस पी करोगे तभी आपका लॉस निकलेगा, अपॉन सी पी इंटू हंड्रेड। क्लियर? तो जब इस फाइनली एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करोगे, जैसे मैंने पिछला वाला सॉल्व किया, तो आपको यहां से मिलेगा कितना, एस पी इज इक्वल्स टू सी पी हंड्रेड माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन हंड्रेड। क्लियर? राइट? तो यानी आपको दो चीजें और एक्स्ट्रा मिल गई, बस इतना ही खेल होता है इसमें पूरे में, बाकी आपको डाटा गिवन होगा, सारे खेल आप खेल सकते हो। क्लियर? तो अब यहां पे क्वेश्चन करते हैं हम, इसको आप नोट डाउन कर लो, ये बहुत काम का है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, सिंपल से क्वेश्चन है यहां पे। एन आर्टिकल वॉज बॉट फॉर रुपीज 2000 एंड सोल्ड फॉर रुपीज 2200, फाइंड द गेन। सिंपल था, आपने खरीदा कितने का, 2000 रुपए का खरीद दिया, बेचा कितने का, 2200 रुपए का बेच दिया। गेन निकालने, गेन मतलब प्रॉफिट, यानी एस पी माइनस सी पी कितना आ गया, 2200 माइनस 2000 यानी कि 200 रुपीज, तो कितना गेन हो गया, 200 रुपीज का गेन हो गया। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं यहां पे। अब उसको आपको बोला गया है, आई स्कूटर वॉज परचेज फॉर रुपीज 30,000, परचेस किया है, यानी सीपी की आप बात कर रहे हो, यानी 30,000 का आपने इसको परचेस किया, और उसके बाद उसने बोला है एंड सोल्ड फॉर रुपीज 25,000, 25,000 का उसने बेचा है, यानी कि उसको क्या हो गया, लॉस हो गया, 30,000 में खरीदा, 25,000 में बेचा है, पूछ क्या रहा, देखते हैं, फाइंड द लॉस परसेंट। ओहो, तो आपको उसने लॉस नहीं पूछा, यहां पर लॉस परसेंटेज पूछा है, तो कैसे निकालेंगे, लॉस अपॉन सी पी इंटू हंड्रेड। लॉस कितना है पता नहीं, निकाल दो यहां से, एस देखो सी पी माइनस एस पी, सी पी माइनस एस पी करोगे आपका लॉस निकल के आ जाएगा, यानी ये 30,000 माइनस 25,000 यानी कि 5,000।
अपॉन सीपी कितने है 30,000 इंटू 100, तो ये आपका लॉस परसेंटेज आ जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दो, तो 5/30 × 100, 5 × 5, 5 × 6 = 30, यानी 100/6। सॉल्व करो इसको कितना आएगा, 50 से कटा 2 से और यहाँ 2, 3 = 6, तो 50/3, इसको और सॉल्व करोगे कितना आएगा, 3 × 3, 2 = 20 हो गया, 3 × 6 = 18, फिर 2 = 2/3%, यानी लॉस परसेंटेज कितना आ गया आपका 16 whole 2/3, क्लियर। लॉस परसेंटेज आपने यहाँ लिख दिया, तो यहाँ पे खाली कितना लिखो आप, 16 whole 2/3, तो ये था आपका आंसर, क्लियर। तो देखो अगर आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आ रही हैं, बेसिक पार्ट आपको समझ में आ रहा है, तो आप अगर सैनिक स्कूल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारा ये कोर्स खरीद सकते हैं, और इसको खरीदने के लिए आपको नीचे दिए गए, आपको कुछ कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, आप उनमें कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्लियर। अब अगला क्वेश्चन है आपका, इफ सीपी इज इक्वल टू रुपीज 37.50, क्लियर, एंड लॉस आपको दिया है 12% का, उसके बाद फाइंड द सेलिंग प्राइस आपसे पूछा गया है, तो ये आपको निकालना है, क्लियर। कैसे निकालोगे, देखो आपको क्या क्या पता है इसमें, हमने सीपी एसपी में एक रिलेशन पढ़ा था, अभी क्या पढ़ा था, एसपी इज इक्वल्स टू सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज, जब लॉस होगा तो माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100, क्लियर। सारा डाटा गिवन है, रखो और आंसर निकालो, सिंपल। एसपी कितना है निकालना है, कोई बात नहीं, सीपी कितना है 37.5 इंटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज कितना है, 100 माइनस 12 अपॉन 100, ठीक, तो 37.5 इंटू 100 माइनस 12 कितना आ जाएगा, 88 अपॉन 100, सिंपल। अब कैसे करोगे इसको सॉल्व, देखो खाली कैलकुलेशन रह गया है, 37.5 इंटू 88 अपॉन 100 है, ये पॉइंट हटाओ इसके नीचे 10 आ जाएगा, सिंपल। अब क्या करो, देखो 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 7 = 35, फिर 2 बचा, 5 5 = 25 और 5 2 = 10, 2 1 = 2, 2 4 = 8, 2 4 = 8, कितना बचा, सिंपल हो करके खिचड़ी मत पकाना, उसको दोबारा लिख देना ताकि गलती ना हो, ये आपका 100, 25 से कट कर दो, 25 3 = 75, 25 4 = 400, फिर 4 1 = 4, 4 1 = 4, 4 1 = 4, 11 3 = 33, यानी उसका एसपी कितना आ गया, 33 रुपीज। अब इसका अगर ऑप्शन चेक करूं तो ऑप्शन ए इज राइट, क्लियर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जितना पढ़ा है उससे ही पूछा जाएगा आपसे, कुछ भी घुमा फिरा के नया कुछ नहीं निकाला है उसने, और आपने अगर बेसिक इसको ढंग से समझ लिया तो कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होगा आपके लिए प्रॉफिट और लॉस का सॉल्व करने के लिए। आप सारे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो कुछ ही सेकंड में। अब आपको एक यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आपको बोला है बाय सेलिंग अ स्टूल फॉर ₹67.5, फॉर सेलिंग अ स्टूल, यानी उसने एक स्टूल को सेल किया, कितने का सेल किया, 67.5 रुपीज का, यानी 67.50 रुपये, 67 रुपीज 50 पैसे, अ कारपेंटर लॉस 10%, अरे बाप रे, तो भाई साहब उसको 10% का लॉस हो गया, ठीक। उसके बाद उसने क्या बोला है, हाउ मच परसेंट वुड बी गेन और लॉस बाय सेलिंग इट फॉर ₹82.5। अब उसने क्वेश्चन ये किया है, अगर वो इसको 82.50 यानी 82 रुपीज 50 पैसे का अगर बेचता तो उसको कितने का लॉस होता या कितने का प्रॉफिट होता, उसको परसेंटेज में बताओ, यानी या तो इसको प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा होगा या फिर लॉस परसेंटेज हो रहा होगा, तो आपको या तो प्रॉफिट हो रहा होगा या लॉस हो रहा होगा, बट उसको आपको परसेंटेज में बताना है, ये आपका क्वेश्चन है, क्लियर। अब देखो करेंगे कैसे, तो सबसे पहले तो हम यहां से क्या निकालते हैं, आपको एसपी और लॉस परसेंट दे रखा है, तो आप सबसे पहले क्या निकालो, यहां से सीपी निकालो कि इसका कॉस्ट कितने का उसने खरीदा होगा। तो कैसे निकालोगे, यू ऑल नो दैट एसपी इज इक्वल टू सीपी
ब्रैकेट में 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। तो देखो आपका एसपी कितना है 67.5 इज इक्वल टू सीपी 100 माइनस लॉस परसेंटेज यानी कितना है 10% का लॉस है माइनस 10 अपॉन 100। अब क्या करो 67.5 एज इट इज सीपी इंटू 100 माइनस 10 यानी 90 अपॉन 100। एक जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, इस 10 को यहाँ मल्टीप्लाई में ले आओ तो 67.5 को जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 675 इज इक्वल टू सीपी इंटू 9। अब सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 675 अपॉन 9 डिवाइड में आ जाएगा 9 वन जा 9 9 से कट कर दे रहा हूँ मैं डायरेक्टली 9 7 जा 63 कितना बचा 4 बचा 45 हो गया 9 5 जा 45 क्लियर। तो यानी सीपी कितना आ गया इसका, यानी जो कारपेंटर है उसने कितने का खरीदा होगा 75 रुपीज का खरीदा होगा और 67.5 का बेचा तभी उसको लॉस हुआ। अब वो अगर 82.50 का बेच रहा है तो देखो यहाँ पे उसका कॉस्ट खरीदेगा कितना, उसने कितने का खरीदा था 75 रुपए का खरीदा था और बेच कितने का रहा है 82.50 का। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे प्रॉफिट होगा उसको, लॉस तो होने से रहा क्योंकि वो बेच कितने का रहा है 82.50। अब यानी हमको किसकी बात करनी है, हमको बात करनी है प्रॉफिट परसेंटेज की। अब वो कैसे निकलता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितने का हो रहा है कैसे पता लगेगा, आप अगर वो बेचता नया एसपी कितना है 82.5 तो 82.5 में से आप 75 को जब माइनस करोगे तो आपको प्रॉफिट पता लग जाएगा। यानी ये आपका आ जाएगा 82.5 में से 75 को माइनस करो ये 7.5 आपको मिल जाएगा राइट। तो यानी 7.5 रुपीज का प्रॉफिट हुआ उसको, तो रख दो 7.5, सीपी कितना है आपका 75 इंटू 100, पॉइंट हटाओ नीचे इंटू 10 से कर दो क्योंकि एक पॉइंट हटेगा नीचे 10 आ जाएगा, 75 से 75 कैंसिल हो गया ये आ गया आपका 100 अपॉन 10, 10 10 जा 100 यानी आपका 10% का प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया आपका 10। ओके गाइस, तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। तो अगर इसका ऑप्शन में चेक करूं तो ऑप्शन ए इज राइट कि उसको 10% का गेन हो रहा है। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ रहे होंगे, आपको एक एक चीज यहाँ पे क्लियर होगी। तो अगर आप इनके जो फॉर्म में आपको स्टार्टिंग में ड्राइव कराए अगर उनको एक बार ढंग से समझ लेते हो, एक बार खुद से ड्राइव कर लेते हो, बट बार बार इसको ड्राइव नहीं करना है, एक बार ड्राइव करने के बाद आपको ये चीज लर्न कर लेनी है ताकि आप क्वेश्चन को सेकेंडों में सॉल्व कर सको राइट। तो आई होप आपको ये काफी समझ में आया होगा, आपने काफी इंजॉय किया होगा इस लेक्चर को। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।